आई एम तानिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैंस डे। दोस्तों बहुत दिनों से मेरी चैनल पे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं खादी शैम्पू की रिव्यू शेयर करूं, और मैं बहुत इगर भी थी क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी, क्योंकि खादी प्रोडक्ट हर्बल होती है, आयुर्वेदिक होती है, और मैं बहुत इगर थी कि खादी की शैम्पू की मैं रिव्यू शेयर करूँ। और मैंने ये सब सुन के मैंने खादी की शैम्पू खरीदी हूँ, उसको यूज़ किया, बट मैंने जैसा सुना उसमें वैसा रिजल्ट मुझे नहीं मिला। और आज मैं खुद अपनी एक्सपीरियंस में आप लोगों के सामने मैं शेयर करने जा रही हूँ खादी के प्रोडक्ट में, खादी शैम्पू की रिव्यू करने जा रही हूँ। और बहुत ऑनेस्ट रिव्यू है ये, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करने के बाद मुझे जो पर्सनली फील हुआ, और इस प्रोडक्ट की रिव्यू आपने इससे पहले बहुत ज़्यादा यूट्यूब में देखी होगी, बट ये रिव्यू कुछ अलग है। इसमें आपको फुल सच्चाई मैं बताऊँगी कि इसकी मतलब इसकी यूज़ करने के बाद क्या रिज़ल्ट मुझे मिला, फुल ऑनेस्टी के साथ मैं बताऊँगी। तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा, और इस रिव्यू को, इस वीडियो को शेयर करना, और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा फेमस यूट्यूबर्स के चैनल को, जो बहुत ज़्यादा मिलियन जिसके पास सब्सक्राइबर होते हैं, आप लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं कि समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैनल है, तो हम इन छोटे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। बट मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि उन लोगों को ना स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट की रिव्यू के लिए उनको पैसा दिया जाता है, और जिन प्रोडक्ट की स्पॉन्सर होते हैं, मतलब जो स्पॉन्सर वीडियो होते हैं या फिर जिनके लिए उसको पैसा मिलता है, वो उसके बारे में कभी ख़राब तो नहीं बोलेंगे ना, वो अच्छा ही बोलेगा। बट हमारे चैनल में हाँ मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, बट हाँ सॉरी हमारे चैनल में मिलियन सब्सक्राइबर नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे चैनल में भी है। और हमारे चैनल में इसलिए सब सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि ये ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं, नॉट स्पॉन्सर वीडियो होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं हर चीज़ अपनी कैश ऑन डिलीवरी में खरीदती हूँ या फिर मार्केट से खरीदती हूँ, और उसके बाद मैं इसकी सही रिव्यू, इसकी ऑनेस्ट रिव्यू मैं शेयर करती हूँ। खुद एक्सपेरिमेंट करके, खुद यूज़ करके मुझे जैसा फील होता है मैं ठीक वैसा ही रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर कुछ ख़राब होती है तो मैं ख़राब होती हूँ, अगर कुछ अच्छा होते हैं तो मैं इसको अच्छा बोलती हूँ। एनीवे वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि खादी शैम्पू की जो रिव्यू मैं शेयर करने जा रही हूँ वो कैसा है। तो मैंने जो शैम्पू मैंने ख़रीदी थी, मैंने ये अमेजोन से ख़रीदी थी, और मैंने जो ख़रीदी थी वो है खादी मौरी सटवेटा शिकाकाई एंड नीम शैम्पू। ये है वो शैम्पू, और जिसको मैंने ये इतना तक यूज़ कर दिया है, आप देख सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। इसकी पैकेजिंग बहुत सिंपल पैकेजिंग में आते हैं, ट्रांसपेरेंट है, इसकी कोई आउटर कार्टन नहीं होता है, आउटर पैकेजिंग इसकी नहीं होता है, इसकी बहुत ही सिंपल बॉटल में ही आते हैं, और ट्रांसपेरेंट है, और इसकी फ्लिपटॉप कैप होती है, फ्लिपटॉप इसकी कैप होती है जो इस तरह से खोलती है, और इसके अंदर आप खोलेंगे तो इसमें एक प्लास्टिक थी जो मैंने फेंक दिया है, तो उसके बाद उसको अगर होल करेंगे तो उसके बाद ही ये शैम्पू निकलेगा, और इधर भी एक होल है जिससे ये शैम्पू निकलते हैं। तो पैकेजिंग बहुत ही सिंपल है, बट ठीक ठाक है, क्योंकि हर्बल आयुर्वेदिक शैम्पू है, ज़्यादा लग्जरियस पैकेजिंग इसकी नहीं होता है, बट चलिए फिर भी मान लेते हैं कि पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट फिर भी ठीक है, इट्स ओके। और अवेलेबिलिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये नायका अमेजोन में ऑनलाइन आपको ज़्यादा मिलेगा, ये मार्केट में नहीं मिलता है, शायद शॉपिंग मॉल में खादी के स्टोर्स अगर होता है तो वहाँ आपको शायद ये मिल जाएगा, बट ये ऑनलाइन ही आपको मिलता है, ऐसे मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। नायका अमेजोन में ये इसकी अवेलेबिलिटी है, और अगर फ्लिपकार्ट में मैंने नहीं देखा है, क्योंकि मैं नायका अमेजोन से ज़्यादा प्रोडक्ट मैं नायका और अमेजोन से ही लेती हूँ। इसकी क्वांटिटी है 210 ml, और इसकी प्राइस है 175, जो कि मुझे मैंने अमेजोन से ली थी, तो मुझे थोड़ी सी ऐसी डिस्काउंट में मुझे मिली थी, और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। अब अगर इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें है रीठा, शिकाकाई, नीम, तुलसी, हीना, आमला एंड बेस।
और बेस में इसमें क्या मिलाया है ये नहीं लिखा है, तो और इसमें ये पैराबिन फ्री सल्फेट फ्री है या नहीं इसमें क्लियरली इसमें नहीं लिखा है, बट इंग्रेडिएंट इसमें पैराबिन सल्फेट इसमें नहीं दिया गया है। सो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड क्योंकि इसमें पैराबेन सल्फेट फ्री है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। फ्रेग्रेंस इसकी खूबसूरत ही है, फ्रेग्रेंस इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो फ्रेग्रेंस के बारे में मुझे कोई कंप्लेन इसमें नहीं है। दिस इज आयुर्वेदिक हर्बल शैम्पू में जैसा फ्रेग्रेंस आते हैं ये वैसा ही है। बस इसकी कंसिस्टेंसी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए दोस्तों। ये देखें, देखिए आप, ये शैम्पू है या पानी? आई डोंट नो, ये शैम्पू है या पानी? ये इतनी कंसिस्टेंसी पतली है इसकी, एकदम पानी जैसा, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। बट इसकी अच्छी क्यों नहीं लगी, इसकी और भी बहुत ज़्यादा रीज़न है। ये पतला होता भी तो ठीक था, अगर काम अच्छा होता तो मैं इसको गुड दे देती, बट अब सुन लीजिए कि मुझे इसमें क्या क्या खराबी लगी। आप पहले देख लेते हैं इसकी क्लेम क्या करती है, कंपनी का क्लेम क्या है। इस कंपनी का क्लेम है मौरी हर्बल सेपरेटा आयुर्वेदिक हेयर वॉश फॉर ऑल हेयर टाइप्स इज पोटेंट कॉम्बिनेशन ऑफ माइल्ड आयुर्वेदिक हर्बल दैट टेक गुड केयर ऑफ योर हेयर विदाउट एनी हेयर डैमेजिंग साइड इफेक्ट। एनी हेयर डैमेजिंग इसने कह दिया, बट मेरी हेयर डैमेज हुआ है इट फायर। सो मैं इसको आपको रीजन प्रॉपरली मैं बताऊंगी। इट फाइट्स, थोड़ी छोटी है तो इसमें पढ़ने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है। इट फाइट्स डैंड्रफ, कंडीशनिंग देम, मेक्स हेयर सॉफ्ट एंड इलास्टिक एंड ब्रिंग बैक शाइन बाउंस एंड गुड हेल्थ टू द हेयर। सो इन्होंने जो जो क्लेम किया है मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें अच्छाई ये है कि हाँ ये हर्बल शैम्पू है, आयुर्वेदिक है, केमिकल शायद बहुत कम है। बट ये जो कहते हैं, जब मैं इसको मैंने जब यूज़ किया तो मेरी हेयर इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई। मैंने इसको दो टाइप से यूज़ किया था, मैंने पहली बार मैंने ऑयल लगा के मैंने इसको यूज़ किया और एक बार बिना ऑयल के मैंने यूज़ किया था। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम रातों में ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑयल लगाते हैं और उसी के बाद ही मैं हम मॉर्निंग में शैम्पू करते हैं। बट जब मैंने ऑयल लगाकर इसको शैम्पू किया तो देखिए मेरे बालों में ऑयल थी, उसके बावजूद ये शैम्पू लेने के बाद मेरी हेयर ड्राई हो गई। तो आप सोच सकते कि मेरी हेयर को ये किस तरह से डैमेज किया, मतलब पूरी तरह से ड्राई हो गई। कंडीशनिंग इसमें लिखा है कि कंडीशन करता है, इलास्टिक है, शाइन देगी, सिल्की कर देगी, सॉफ्ट एंड स्मूथ करेगी। तो इसमें जो लिखा है सॉफ्ट इलास्टिक एंड ब्रिंग बैक शाइन बाउंस एंड गुड हेल्थ टू द हेयर, तो ना मेरे बालों में कोई शाइन आई, ना सॉफ्ट एंड स्मूथ हुआ, उल्टा पूरा ड्राई एंड डैमेज हो गया, फ्रीजी हो गया। मेरी जो बालों की आप क्वालिटी आप देख लीजिए, ये बिना शैम्पू की हेयर्स है, बिना शैम्पू के आप हेयर्स देख सकते हैं। मेरी क्वालिटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही है, मेरी हेयर की नॉर्मली नॉर्मल हेयर की है मेरी हेयर ड्राई नहीं है और ना तो ऑयली है, मेरी हेयर नॉर्मल है। और नॉर्मल जो घर में यूज़ करती हूँ, डव यूज़ करती हूँ या फिर ड्रेसिंग यूज़ करती हूँ, तो उसमें मेरी कोई कंडीशनर अगर मैं नहीं लगाऊं तो भी मेरी हेयर इतनी ज़्यादा ड्राई डैमेज नहीं होता है जितना कि मुझे ये शैम्पू अप्लाई करने के बाद मुझे हुआ है। नंबर टू पॉइंट मैं ये बता दूं कि इसको लगाने के बाद कंडीशनर आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ये मतलब झाड़ू वाला टाइप कर दिया मेरे बालों को, ना पूरा झाड़ू वाला कर दिया था। मतलब उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मुझे कंडीशनिंग करनी पड़ी, फिर जाके मेरी हेयर ठीक है। नंबर थ्री जो पॉइंट है, जो इसको लगाने के बाद, और एक बात मैं बता दूं दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये खादी मौरी है, देख लीजिए आप, ये खादी मौरी है। तो खादी नेचुरल में भी एक सेटरेटा शैम्पू आते हैं, बट मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं खादी मौरी सेटरेटा मैंने खरीदी थी तो मैंने इसी का मैंने यूज़ किया और इसी का मैं रिव्यू मैं शेयर कर रही हूँ। नंबर थ्री जो पॉइंट है, ऑयल्स को रिमूव, ये शैम्पू ऑयल को रिमूव नहीं कर पाए। मैंने जब ऑयल लगाकर ये शैम्पू किया तो मेरे बालों को मैंने दो बार इस शैम्पू से मैंने धोया है, बट ऑयल रिमूव नहीं हुआ है।
नॉर्मली जब मैं घर में शैम्पू करती हूँ तो मेरी एक बार शैम्पू करने के बाद ही ऑयल रिमूव हो जाता है, जो कि इसमें नहीं हुआ। नंबर जो फोर्थ पॉइंट मुझे लगा, ये जो कंसिस्टेंसी है इतनी पतली, तो ये शैम्पू बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे ये लगी। मतलब मैं घर में जितना डव ट्रेस्मी ये सब यूज़ करने के बाद, नॉर्मल जो शैम्पू होते हैं वो यूज़ करने के बाद मेरी जितना लगती है, इससे 3 गुना ज़्यादा ये शैम्पू खर्च हुई। एक बार में उसकी 3 गुना ये लगी मुझे। लैदर इसमें बहुत ही ज़्यादा कम होता है दोस्तों। तो ये है इसकी फिफ्थ पॉइंट। लैदर कम होती तो हमें ऐसा लगता है कि शायद डर्ट में ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाए। मैं आपको ये दिखा रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए, देखिए कितना कम लेदर हुआ है। और आप यूज़ करने के बाद आप देख लीजिएगा कि बालों में भी ये कम लेदर ही होते हैं। और एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इसकी कलर। ये जो कलर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये कलर ऐसा नहीं थी, ये पूरी ब्लैक टाइप दिख रही थी, पूरी ब्लैक थी। सेफ्रेटा रीठा जो शैम्पू आते हैं वो ब्लैक ही मिलता है। ये शैम्पू पूरी तरह से ब्लैक थी, बट जब मैंने इसको इतने दिनों तक रख दिया तो ये मेरी कुछ काम में ज़्यादा आई नहीं, तो मैंने इसको रख दिया था, मैंने यूज़ नहीं किया था। और मेरी बाथरूम में मैं कुछ और ही यूज़ कर रही थी, ये मेरी बाथरूम में पड़ा हुआ है अभी भी। और इसकी कलर धीरे धीरे ये डिसकलर होने लगी, बहुत फेड होने लगी, ब्लैक से डीप ग्रीन हुआ और अब लाइट ग्रीन हो गया है ये कलर, ये डिसकलर हो गया है। और अब तो मुझे लगता है ये इसका यूज़ करना मेरे लिए सेफ नहीं है, तो मुझे अब इसको फेंकना पड़ेगा। दोस्तों हम जब बहुत ज़्यादा प्राइस में हम जब कुछ खरीदते हैं तो उसको पूरा बॉटल फेंक दूँ तो ऐसा कुछ ख़राब ही लगते हैं कि इतना पैसा वेस्ट कर दूँ। तो मैंने इसको यूज़ किया था कि ठीक है चलो, हबल खादी एक ब्रांडेड है, हबल है, आयुर्वेदिक शैम्पू है, तो इसको चलो यूज़ कर लेते हैं। बट मैंने इसको 2-3 बार मैंने यूज़ किया, बट उसके बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ये मेरी फैमिली और मेरी कुछ कुछ फैमिली मेम्बर्स थी जो मैं यूज़ करने के बाद ये से यहाँ से ये इतना तक पहुँचा है। मैंने क्योंकि मैं इसको क्यों यूज़ करूँ दोस्तों, क्योंकि जो मेरी हेयर को डैमेज कर रही है, आयुर्वेदिक हो भी पर मेरी हेयर को इतना अगर डैमेज कर दिया, डर्ट ड्राई कर दिया, तो अगर मेरे बालों में इस को लगाने के बाद अगर मेरे बालों में नुकसान हो तो मैं इस शैम्पू को मैं क्यों यूज़ करूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने केमिकल शैम्पू ही यूज़ कर लूँ, क्योंकि वो मैं इतने दिनों से लगा रही हूँ, ना तो मेरी कोई हेयर फॉल होती है, ना को मेरी हेयर क्वालिटी कोई ख़राब हो जाती है, तो मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। बट इस खादी इस शैम्पू को मैंने यूज़ किया तो मेरी बालों में बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगी, मेरी हेयर ड्राई हो गई, फ्रिजी हो गई, और इसके लिए मैंने इसका यूज़ बंद कर दिया। आई डोंट नो अबाउट अदर शैम्पू ऑफ खादी, बट दिस शैम्पू इन माई डायरेक्शन इज़ नॉट गुड। इसकी अच्छाई के बारे में अगर मैं बताऊँ तो हाँ, ये हर्बल है, आयुर्वेदिक है, अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा 210 ml, और प्राइस इसकी 175 में आपको मिल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और अगर आप ऑनलाइन भी परचेस करेंगे तो ये आपको डिस्काउंट में भी मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर जो डेली वाइज शैम्पू करते हैं और अगर किसी की ऑयली टाइप हेयर हो तो उसके लिए शायद ये शैम्पू ठीक जाएगा। अदरवाइज इस शैम्पू की ज़्यादा कुछ क्वालिटी मुझे नज़र नहीं आया, और इसकी शैम्पू को यूज़ करके मुझे पर्सनली फील हुआ कि मुझे अच्छी नहीं लगी है। सो मैंने एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया ताकि किसी का भी मनी वेस्ट ना हो, जैसा कि मेरा हुआ है। मेरे वेस्ट ऑफ मनी ही है जो मेरे किसी काम में नहीं आया है, और अब मैं इसको फेंकने वाली हूँ क्योंकि अब ये कलर भी डिसकलर हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये मेरे बालों के लिए सेफ नहीं होगा। मेरी इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम के लिंक तानिया स्टाइल अंडरस्कोर तानिया, यह है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं मेरी चैनल में ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करती रहती हूँ हर प्रोडक्ट की, जो मुझे अच्छी लगती है तो मुझे मैं उसके बारे में अच्छी बोलती हूँ, जो मुझे ख़राब लगती है मैं उसके बारे में ख़राब बोलती हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना तो मुझे उन प्रोडक्ट की तरफ से कोई पैसा मिलता है, इसलिए मुझे जो पर्सनली फील होता है मैं सिर्फ वही बताती हूँ।
सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। सो ये थे मेरी आज की रिव्यू, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।